हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मैं आदाब है दीपक, और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि आप जो है CSIR एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो है कौन कौन से बुक्स को जो है वो रिफ़र कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा ईच टॉपिक की जो बुक्स हैं कि कौन कौन से आपको टेक्स्ट बुक यूज़ करनी चाहिए और कौन कौन सी जो है आपको जो है नॉन टेक्स्ट बुक आप यूज़ कर सकते हैं, तो जिनके थ्रू जो है आप जो है CSIR का एग्जाम जो है वो क्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप जो है मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि CSIR के एग्जाम में आपको जनरली 3 सेक्शन मिलते हैं। एक आपका सेक्शन हो गया पार्ट ए, एक आपका हो गया पार्ट बी, और एक जो है वो है पार्ट सी। तो CSIR के एग्जाम में 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें पार्ट ए सेक्शन की, ठीक है, तो पार्ट ए में क्या होता है, आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, अब ईच क्वेश्चन विल बी हैविंग 2 मार्क्स। ठीक है, अब जो जनरल एप्टीट्यूड होता है, जो पार्ट ए होता है, ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन किस टाइप के मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं जनरल साइंस के क्वेश्चन, ठीक है, जनरल साइंस के होते हैं, साथ ही साथ होते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, और साथ ही साथ एनालिसिस के। ठीक है, तो पार्ट ए में आपको जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको जनरल साइंस के होते हैं, या क्वांटिटेटिव रीजनिंग के होते हैं, और एनालिसिस के होते हैं। साथ ही इसमें एक और टॉपिक आता है, वो है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे ये जो जनरल एप्टीट्यूड है, ये जो है आप ये कौन सी बुक्स जो है वो आपको पढ़नी चाहिए, या टेक्स्ट बुक आपको कौन सी पढ़नी चाहिए, जिसके थ्रू जो है आप वो जनरल एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। वही हम बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी में जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको अभी 50 दिए होते हैं, आउट ऑफ 50 आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, और ये भी आपके 2 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, अब पार्ट बी में क्या होता है, अब जो सिलेबस में आपको मेंशन कर रखा है, जो कि जितने भी यूनिट दे रखी हैं, तो उन यूनिट में से ही जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर पार्ट सी की, तो पार्ट सी में जो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 75, जिसमें से आपको जो 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, और ईच क्वेश्चन विल बी हैविंग 4 मार्क्स। अब जो इसमें क्वेश्चन आते हैं पार्ट सी में, ये क्या होते हैं, ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट की बेस पे होते हैं। किसकी बेस पे होते हैं, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट की बेस पे होते हैं। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। तो इस बेस पे जो है आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके जो है साइंटिफिक नॉलेज है वो चेक की जाती है, कि आप जो है कैसे साइंटिफिकली आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपको एनालिटिकल नेचर के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एनालिटिकल नेचर के क्वेश्चन भी यहाँ पूछे जा सकते हैं पार्ट सी में। तो ये भी इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आपका एनालिटिक जो नॉलेज है उसे चेक किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपका जो है वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट या साइंटिफिक नॉलेज भी यहाँ पे जो है वो चेक की जाती है। तो ये जो पार्ट सी में, इसमें ये सारे जो है आपके चेक किए जाते हैं, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, एनालिटिकल नेचर, साइंटिफिक नॉलेज या साइंटिफिक कॉन्सेप्ट का जो एप्लीकेशन है उनकी बेस पे जो है पार्ट सी में क्वेश्चन जो है वो दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट ए, जो कि जनरल एप्टीट्यूड है, जिसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिसिस और जो जनरल साइंस या रिसर्च एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जनरल एप्टीट्यूड के लिए आप जो है कौन से बुक को रिफर कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो 3 बुक्स यहाँ पे मेंशन कर रखी है, एक जो है पाथ फाइंडर की, ये जो आपको बुक मिलेगी ये मिलेगी पाथ फाइंडर की, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक फॉर जनरल एप्टीट्यूड। अगर आपको सॉल्व करना, तो देखिए यहाँ पे देखिए पजल्स भी मेंशन कर रखा है, रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ग्राफिकल एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन और प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर्स भी यहाँ पे मेंशन किए जा रखे हैं। तो आप जो अगर इस बुक से प्रिपरेशन करते हैं तो एक अच्छी बुक है थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस के लिए, तो अगर आप इससे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इससे आप कर सकते हैं। वहीं दूसरी बुक जो है ये है राममोहन पांडे की, ठीक है, राममोहन पांडे की, इसमें भी जो सॉल्व पेपर्स दे रखे हैं, साथ ही साथ टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन दे रखा है, और ये बुक्स जो है ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए आते हैं। अगर आप लाइफ साइंस से प्रिपेयर कर रहे हैं लाइफ साइंस के लिए, अर्थ साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज और मैथमेटिकल साइंसेज के लिए भी ये बुक जो है
अच्छी है। नेक्स्ट बुक है वो है क्रिस्टी वर्गेसी की, तो ये जो 2019 एडिशन दे रखा है यहाँ पे मैंने उसका पिक लगाया है। तो ये जो बुक है ये बेस्ट चीज़ ये है कि आपको ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी इजिली जो है अवेलेबल रहेगी। तो आप इन तीनों बुक को जो है वो एज अ रेफरेंस ले सकते हैं अपने जनरल एप्टीट्यूड पार्ट ए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पार्ट ए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है पाथ फाइंडर की बुक के साथ जाइए, क्योंकि आपको जो है लाइफ साइंसेस में जो है जनरल एप्टीट्यूड आपको सॉल्व करना है। तो दिस पाथ फाइंडर बुक ऑफ जनरल एप्टीट्यूड इट विल योर बेस्ट। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप जो है राम मोहन पांडे की बुक और जो किस्टी वर्गेसी की बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट वन बायोकेमिस्ट्री की। ठीक है, तो हमारा जो यूनिट वन है बायोकेमिस्ट्री है, तो यानी कि इसका जो हम बात करेंगे सीएसआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ये है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंट्रैक्शन इंट्रैक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंट्रैक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, इसमें देखिए आपको जो है वो बायोकेमिस्ट्री यहाँ पे मेंशन करी जा रखी है। तो आप इसके लिए कौन कौन सी जो टेक्स्ट बुक है वो रिफर करेंगे मैं उसे आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ मैं थ्री बुक्स जो है वो मेंशन कर रही है। एक तो आपकी होगी लेंजर, ठीक है, तो लेंजर है। दूसरी आपकी हो गई है स्ट्रायर है, और तीसरी आपकी वाइट वाइट एंड प्रैट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने थ्री बुक्स आपको मेंशन की हैं। अब देखिए अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टॉपिक जो है वो पढ़ना चाहते हैं कौन सी बुक से। ठीक है, तो अगर आप बायो इनर्जेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, सपोज अगर आप जो बायो इनर्जेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, बायो इनर्जेटिक्स हो गया, ठीक है, या हम बोल सकते हैं आपका जो है ग्लाइकोलिसिस या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कपल रिएक्शन, अगर आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं तो आप जो है वो लेंजर और स्टायर की बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो लेंजर और स्टायर की बुक को फॉलो कर सकते हैं, इसमें बहुत ही अच्छे वे में जो है एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखना कन्फर्मेशन और प्रोटीन्स पढ़ना चाहते हैं, अगर हम बात करें कन्फर्मेशन और प्रोटीन्स की, या आप एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ना चाहते हैं एंजाइम काइनेटिक्स, तो आप जो है वाइट एंड वाइट की बुक को रिफर कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं। अब जो मैंने बुक फॉलो की थी वो मैंने की थी बायो केमिस्ट्री की लेंजर बुक, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक। उसके बाद आप जो है स्ट्रायर की बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है कौन सी बुक को फॉलो करेंगे और किस में अच्छे वे में और इजी वे में जो है एक्सप्लेनेशन दिया गया, आप उसी बुक को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम यूनिट टू की, जो कि सेलुलर बायोलॉजी है। ठीक है, यूनिट टू जो है आपका वो सेलुलर बायोलॉजी है। अब यूनिट टू में क्या रहता है आप देखिए, इसके लिए मैं जो बुक आपको रेफर करूंगा वो आपकी रहेगी कार्प। ठीक है, तो ये आपकी रहेगी, एक जो बुक है वो कार्प की है, दूसरी आपकी लॉर्डिस की है, और तीसरी आपकी जो है कूपर की है। मोस्टली सेल बायोलॉजी के लिए मोस्टली कूपर और लॉर्डिस दे आर द बेस्ट बुक। ठीक है, अब इसमें भी वही होता है कि आप जो है कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं। सपोज अगर हम बात करें मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, अगर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कार्प की बुक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल पढ़ना चाहते हैं, सेल साइकिल पढ़ना चाहते हैं तो आप कूपर की बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि आप जो है कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो उन टॉपिक को आप जो है इन बुक्स से फॉलो कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि उसे आप कितनी इजिली वे में समझना चाहते हैं, लेकिन अगर आप जो है कूपर की बुक को फॉलो करते हैं तो कूपर की बुक में बहुत ही अच्छा जो है ये सारे जो टॉपिक्स हैं बहुत ही अच्छे वे में एक्सप्लेन किए गए हैं, और साथ ही साथ जो लॉर्डिस की बुक है वो भी बुक जो है बहुत ही अच्छी है, और इसमें भी विद डायग्राम जो है बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूनिट थ्री की, जो कि मॉलिकुलर बायोलॉजी है। ठीक है, मॉलिकुलर बायोलॉजी यहाँ हम बोलते थे फंडामेंटल प्रोसेसेस। ठीक है, फंडामेंटल प्रोसेसेस, तो ये जो यूनिट है इसमें आपका पूरा जो डीएनए रेप्लिकेशन आ जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन आपका हो जाएगा, या आपका आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग,
तो ये सब जो टॉपिक है वो आपको जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से कवर करने पड़ेंगे। अब मैं जो यहाँ पे आपको बुक जो फॉलो करने के लिए बोलूँगा वो आपके एक तो वॉटसन है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। अगर वॉटसन की बुक को फॉलो करते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छे वे में जो है जितने भी मॉलिक्यूलर रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसे एक्सप्लेन किया गया है। सेकेंड बुक आप एल्बर्ट्स की कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बुक्स हैं ये दे आर द वन ऑफ द लाइक फाइनेस्ट बुक फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। तो अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इनसे पढ़ना चाहते हैं, या अगर हम स्पेसिफिक टॉपिक बोलें, अगर आप सपोज डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ना चाहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन या प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ना चाहते हैं, तो इनके लिए जो है आप वॉटसन की बुक को रिफ़र कर सकते हैं। तो वॉटसन की बुक को आप रिफ़र कर सकते हैं इनके लिए, ठीक है। तो ये सब टॉपिक जो आपको मॉलिकुलर बायोलॉजी की जो टॉपिक है आपको ये वॉटसन की बुक में बहुत ही ईजिली वे में और विथ कलर्ड डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किए गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यूनिट 4 की, जो कि सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, ठीक है। अब इस यूनिट के लिए आप जो हैं देखिए इसमें जो है सेल कम्युनिकेशन सेल सिग्नलिंग में, तो इसमें बहुत से सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। सब टॉपिक जैसे कि अगर यहाँ पे हम बात करें तो अगर आप इननेट इननेट इम्यूनिटी पढ़ना चाहते हैं या एडाप्टिव इम्यूनिटी पढ़ना चाहते हैं, एडाप्टिव इम्यूनिटी, तो इसके लिए आप जो क्यूबे की बुक फॉलो कर सकते हैं। तो क्यूबे की बुक जो है इट इज द बेस्ट बुक फॉर द इम्यूनोलॉजी, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजी रिलेटेड जितने भी जो चैप्टर्स हैं या टॉपिक्स हैं वो आप जो है क्यूबे की बुक से फॉलो कर सकते हैं। तो आपको इसके अलावा कोई और भी बुक और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ जो है अगर आप होस्ट पैथोजन इंटेक्शन पढ़ना चाहते हैं, होस्ट पैरासाइट या पैथोजन इंटेक्शन पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो है पियर्सन की मेडिगन की जो बुक है इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक इफ़ यू वांट टू स्टडी होस्ट पैरासाइट इंटेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों बुक जो हैं अगर आपको इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आप क्यूबे की बुक को रिफ़र कर सकते हैं। वहीं अगर आप होस्ट पैरासाइट इंटेक्शन से रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है माइकर्टी मेडिकन की बुक को फॉलो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग यूनिट 5 की। तो यूनिट 5 जो है वो आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी है। अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी इसमें देखिए प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। इसमें आपका जो प्लांट का डेवलपमेंटल बायोलॉजी साथ में एनिमल्स का डेवलपमेंटल बायोलॉजी दोनों आपको जो है यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। और मोस्टली सीएसआई के एग्जाम में डेवलपमेंटल बायोलॉजी से क्वेश्चन से वो हर साल पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो अगर हम बात करें डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो इसके लिए गिलबर्ट की बुक सबसे बेस्ट बुक है। आप कहीं और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट अगर आपको पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट पढ़ना है, या अगर आपको गैमेटोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन और आपका हो गया सपोज अर्ली डेवलपमेंट या मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन एनिमल्स अगर आपको पढ़ना है तो आप इसके लिए जो है गिलबर्ट की बुक को फॉलो कर सकते हैं। और जो दूसरी बुक है डेवलपमेंटल बायोलॉजी की वो है स्लैक की, लेकिन मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप जो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए गिलबर्ट की बुक को फॉलो करें। आप स्लैक के भी कर सकते हैं, लेकिन गिलबर्ट की बुक इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक फॉर डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 6 और 7 की, जो कि सिस्टम फिजियोलॉजी है, जो कि प्लांट और एनिमल, ठीक है। तो इसमें आप जो बुक मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं यानी कि, तो इसके लिए आप जो है टीज एंड डी जिगर की बुक को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो आप वेंडर्स की बुक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब प्लांट फिजियोलॉजी में इसमें आपको जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे आपको फोटोसिंथेसिस इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस वो हर साल पूछे जाते हैं, फोटो रेस्पिरेशन हो गया यहाँ पे, या हम बात करें हार्मोन्स की, ठीक है, जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं उनका। और इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट हार्मोन की सिग्नलिंग ऑफ प्लांट हार्मोन्स। तो इससे जो है हर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन की जो सिग्नलिंग, जैसे आप अगर ऑक्सीजन ले लें, साइटोकाइनिन ले लें, ठीक है, गिबरेलिन ले लें, ETC, ठीक है। तो इन सब की आपको सिग्नलिंग जो है वो पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हर साल जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म भी आप पढ़ सकते हैं इससे, ठीक है। तो
तो ये सारे जो टॉपिक आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे टीज एंड जीगर की बुक प्लांट फिजियोलॉजी में, ठीक है। वहीं अगर आप एनिमल फिजियोलॉजी या ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जैसे ब्लड एंड सर्कुलेशन, अगर हम बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी की, तो अगर आप इसमें ब्लड सर्कुलेशन पढ़ना चाहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन या आपका हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम या एनिमल हार्मोन्स या ह्यूमन हार्मोन्स, अगर ये सब आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जो वेंडर्स की बुक को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जितने भी सिस्टम हैं, जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, तो ये सब जो ह्यूमन सिस्टम है या एनिमल सिस्टम है उसे आप जो है वेंडर्स की बुक ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जो है टोर्टोरा की बुक आती है एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी की, तो आप जो है इस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। गेरार्ड जे टोर्टोरा की बुक को भी आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं एनिमल या ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 8 की, जो कि इनहेरिटेंस बायोलॉजी या जेनेटिक्स से रिलेटेड है। तो इस बुक में आप देख, इस टॉपिक में आप जो है कौन कौन सी बुक्स यूज कर सकते हैं, एक तो आपकी होगी गार्डनर की बुक, तो मैं आपको बता दूं ये गार्डनर की बुक हो गई, एक आपकी हो गई ग्रिफिथ की बुक और ये आपकी होगी बेंजामिन ए पियर्स की बुक, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है टॉपिक वाइज जो है आप इन बुक्स को रिफर कर सकते हैं, ठीक है। तो टॉपिक वाइज जैसे कि अगर आप बात करें, तो अगर आप जीन मैपिंग मैथड पढ़ना चाहते हैं, जीन मैपिंग मैथड्स पढ़ना चाहते हैं, या आप जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं जीन्स से रिलेटेड, या हम बोल सकते हैं जैसे कि हार्डी विनबर्ग लॉ से रिलेटेड, तो इसके लिए आप जो है ग्रिफिथ की बुक फॉलो कर सकते हैं। तो इस ग्रिफिथ की बुक में बहुत सारे आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे जेनेटिक्स से रिलेटेड, चाहे वो कोई भी टॉपिक, चाहे वो आपका जीन मैपिंग मेथड से रिलेटेड हो या हार्डी विनबर्ग लॉ से रिलेटेड हो, या अगर आप प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो है ग्रिफिथ की बुक से मिल जाएंगे। तो अगर आप जो है न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चन जो है सॉल्व करना चाहते हैं, उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप ग्रिफिथ की बुक को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कॉन्सेप्चुअल या थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बेंजामिन ए पियर्स की बुक और गार्डनर की बुक को फॉलो कर सकते हैं अपने जो जेनेटिक्स के टॉपिक्स हैं उन्हें क्लियर करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक और बुक आती है इसकी सेमंस की एंड इसनर स्टेट की, ठीक है, तो ये बुक भी बहुत अच्छी बुक है। तो अगर आप जो है डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से अगर आप अपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कौन सी बुक्स में जो है कि कॉन्सेप्ट किसमें इजीली वे में एक्सप्लेन किया गया है, तो आप जो है इन बुक्स में से कोई भी बुक को रिफर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट 9 की, जो कि है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। अब डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, इसमें आपको क्या टॉपिक पढ़ने होंगे, इसमें आपको जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी, या हम बोल सकते हैं मेथड्स ऑफ टैक्सोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी, या हम बोल सकते हैं इसमें अगर आप पढ़ना चाहते हैं लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये सब अगर आप टॉपिक जो है पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसके लिए जो है एडवर्ड विल्सन की बुक्स को रिफर कर सकते हैं, ठीक है। अब एडवर्ड विल्सन की बुक है, इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी है या लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, या हम बात करें नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस जो है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं बहुत ही ईजिली वे में इसमें जो है एक्सप्लेन किए गए एडवर्ड ओ विल्सन में। इसके अलावा आप जो है जीमे जेनकिंग एंड एनी बॉयस की बुक को डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप रॉबर्ट स्नेडन की बुक को भी फॉलो कर सकते हैं इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि आप जो है किस टॉपिक को किस बुक से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप जो है एडवर्ड ओ विल्सन की बुक को ही फॉलो करें इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 10 इकोलॉजी की। तो देखिए इकोलॉजी के लिए मैं आपको जो यहाँ पे बुक रिफर करूंगा वो रहेगी स्मिथ एंड स्मिथ। इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर इकोलॉजी। अगर आपको इकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ने या चैप्टर पढ़ने, जैसे कि अगर हम बात करें हैबिटेट एंड नीचे की, या हम बात करें पॉपुलेशन इकोलॉजी की, या हम बात करें अगर और भी टॉपिक्स हो गए, जैसे आपका स्पीसीज इंट्रैक्शंस, ठीक है, या हम बात करें कम्युनिटी इकोलॉजी की, तो इन बुक्स के, इन टॉपिक्स के लिए जो है आप जो है
स्मिथ एंड स्पिट की बुक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा दूसरी बुक है वो पीटर स्टेलिंग की है, तो ये भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप इकोसिस्टम पढ़ना चाहते हैं, इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो ये सब जो टॉपिक हैं वो सब स्टेलिंग की बुक में अच्छी वे में एक्सप्लेन किए गए हैं। तो आप जो हैं ये सब जो टॉपिक्स हैं वो आप देख सकते हैं कि आप जो है कौन से बुक को रिफ़र करना चाहते हैं या कौन से बुक में इजली वे में एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप स्मिथ एंड स्पिट की बुक को फॉलो करें इन सारे इकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें पढ़ने के लिए। अब बात करते हैं इवोल्यूशन की, तो इवोल्यूशन से भी मोस्टली जो क्वेश्चन है वो हर साल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको डिफरेंट टॉपिक, जैसे कि अगर मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन आप पढ़ना चाहते हैं, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन पढ़ना चाहते हैं, या ओरिजिन ऑफ सेल्स, ओरिजिन ऑफ सेल्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज एंड यूनिसेलुलर इवोल्यूशन, अगर आप ये सारे टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, या मैकेनिज्म पढ़ना चाहते हैं, द मैकेनिज्म इन सब टॉपिकों की, ठीक है, तो ये सब के लिए आप जो हैं हॉल की बुक और हार्गरी मैसन की बुक को रिफ़र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट बुक जो रहेगी वो रहेगी मार्क रिडली की बुक, तो इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक फॉर स्टडिंग द चैप्टर इवोल्यूशन। तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जो मैंने आपके साथ शेयर की, जैसे मॉलिकुलर इवोल्यूशन हो गया, ओरिजिन ऑफ सेल्स एंड यूनिसेलुलर इवोल्यूशन, मल्टी सेलुलर इवोल्यूशन हो गया, या आपका ब्रेन बिहेवियर एंड इवोल्यूशन हो गया, तो ये सारे टॉपिक जो है आपको मार्क रेडली की बुक में बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन किए गए हैं। तो ये जो इवोल्यूशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हर साल जो है CSI के एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्टली इन द पार्ट सी ऑफ द एग्जाम। तो इसके लिए आप जो है मार्क रेडली की बुक को रिफर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट 12-13 की, जो कि अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको जो बुक रिफर करूंगा वो आपकी एक तो रहेगी ट्वाइमैन की, RM ट्वाइमैन एंड प्रिमरोज की बुक, ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें बहुत ही इजिली हम टेक्निक को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। और इस सबसे बेस्ट बुक जो है मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो आपके विल्सन एंड वॉकर रहेगी, ठीक है। तो विल्सन एंड वॉकर, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक फॉर द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री एज वेल एज मॉलिकुलर बायोलॉजी। इसके साथ ही साथ एक जो पाथ फाइंडर ने अपनी खुद की बुक निकाली है जो कि बायोफिजिक्स एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, जो कि प्रणव कुमार सर ने निकाली है, तो आप इस बुक को भी जो है वो टेक्निक्स के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब टेक्निक्स पूरा, जैसे कि आपका इम्यूनोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हो गया, या वैक्सीन से डायग्नोस्टिक, या आप अगर टिश्यू कल्चर की टेक्निक देखना चाहते हैं, या PCR, या आप HPLC, UPLC, ये सब जो है टेक्निक्स जो है आप स्टडी करना चाहते हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप विल्सन एंड वॉकर की बुक को जो है वो रिफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग पाथ फाइंडर की बुक को रिफ़र कर सकते हैं, और प्रिमरोज की बुक को भी यहाँ पे रिफ़र कर सकते हैं। तो मैं आप यहाँ पे लाइक प्रेफर करूँगा कि आप विल्सन एंड वॉकर के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कुमुलेटिव बुक्स की, तो इसमें देखिए सबके, आई थिंक सबके पास जो है पाथ फाइंडर का Volume 1 और Volume 2 है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो गई और आप रिवीजन करना चाहते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लोगों पर टाइम नहीं होता है कि वो टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो पाथ फाइंडर की Volume 1 Volume 2 जो बुक है ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है पूरा निचोड़ दे रखा है सारी बुक्स का, और इसमें जो पॉइंट लाइक जो बुक में जो टॉपिक्स हैं उसे बहुत ही अच्छे वे में एक्सप्लेन किया गया है, और अप टू पॉइंट है, इसमें कोई बकवास नहीं लिखी है। तो बहुत से क्या होता है कि अगर MSc इंट्रेंस के लिए भी बच्चे जो है लाइफ साइंसेस की Part 1 Part 2 को फॉलो करते हैं, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो पूछे फंस जाते हैं एग्जाम में। वहीं CSI के एग्जाम में भी Volume 1 Volume 2 अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप पाथ फाइंडर की Volume 1 और Volume 2 बुक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अलावा कैटलिस्ट की बुक भी आती है लाइफ साइंस की Volume 1 Volume 2, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं पाथ फाइंडर के साथ, अगर आपकी तैयारी सही नहीं है और आप जो एंड टाइम है और आपका जो एग्जाम है वो 15 डेज बाद ही है, तो आप जो हैं अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं, तो आप जो है पाथ फाइंडर और कैटलिस्ट की बुक Volume 1 और Volume 2 को भी पढ़ के एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, आपको रैंक आई थिंक अच्छी नहीं मिलेगी, बट अगर आपने सही से पढ़ा तो आप जो है एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बात कर लें हम MCQ बुक की, तो आप CSI JRF नेट के लिए आप कौन सी जो MCQs बुक है वो रिफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सबसे पहली बुक जो मैं आपको रिफ़र करूंगा वो रहेगी पाथ फाइंडर की MCQs। ये जो बुक है पाथ फाइंडर की MCQs है, तो ये टी वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक। अगर आप और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, तो डे बेसिस कर की जो बुक है CSI UGC एडवांस गाइड फॉर नेट लाइफ साइंस, ये भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक जो है वो कैलाश चौधरी की है, तो इस बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अरिहंत की बुक आती है UGC CSIR
नेट सेट DRF NLS की, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक पाथफाइंडर की ये बुक को फॉलो कर सकते हैं, दूसरे आप अरिहंत की बुक को फॉलो कर सकते हैं MCQs के को सॉल्व करने के, ताकि आपको पता चले कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी है। ठीक है, जितना आप MCQ सॉल्व करेंगे उतना ही आपके चांसेज है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के। अब बात करते हैं सॉल्व क्वेश्चन पेपर ऑफ CSIR GRF में, तो इसके लिए कौन कौन सी बुक है, तो इसके लिए देखिए उपकार की एक बुक है, तो आप ये उपकार की बुक को फॉलो कर सकते हैं जो कि लाइफ साइंसेस की है, और इसमें जो है लास्ट 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं लाइफ साइंस से रिलेटेड वो सब दे रखे हैं। साथ ही साथ जो है आपको यहाँ ये पार्ट फाइंडर की बुक मिल जाएगी, तो इस पार्ट फाइंडर की बुक में लास्ट 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप अगर पैटर्न देना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कौन कौन टेक्निक के थ्रू आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो आप ये पाथफाइंडर की ज्वाइंट टेस्ट एंड इवेल्यूशन बुक जो है वो फॉलो कर सकते हैं। वहीं अगर आवाज गुप्ता की आप बुक जो है ज्वाइंट CSIR UGC NET की, तो ये भी जो है आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, इसमें भी जो है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए गए रखे हैं। वहीं अगर बात करें UGC CSIR NET लाइफ साइंस की बुक की, तो यहाँ पे देखिए देवाशीष कर की जो बुक है वो यहाँ पे फॉलो की गई है, तो इसमें जो है 16 ईयर्स के लास्ट 16 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पे जो है फॉलो किए जा रखे हैं। ठीक है, तो आप इन चारों में से कोई भी जो दो बुक हैं वो यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे पाथफाइंडर की बुक रिकमेंड करूंगा, और यहाँ पे आर गुप्ता की जो बुक है वो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर को देखने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।